हेलो गाइस, तो आज लेकर आए हैं मेसो से मंगवाए हैं एक एयरपोर्ट प्रो, जो कि वो एक डुप्लीकेट एयरपोर्ट है या असली है ओरिजिनल उसको पहचानेंगे, लेकिन उसको देखेंगे पूरा, तो उसका करने वाला हूँ फुल रिव्यू, तो और उसके साथ करेंगे उसका पूरा अनबॉक्सिंग। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में घंटी उसको ऑल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस रैपर के अंदर है वो प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट के अंदर है एयरपोर्ट। तो चलिए इसको फटाफट से खोल लेते हैं। तो यहाँ से अब इसको फटाफट से मैं खोल लिया, तो ये देख सकते हैं कि ये देखिए कितना शानदार डब्बा लग रहा है इसका। तो ये देख सकते हैं ये क्या, ये तो ब्लैक कलर मिल गया मुझे। मैं तो वाइट कलर ऑर्डर किया था लेकिन ये ब्लैक कलर मिल गया, लेकिन जो भी है बहुत अच्छा है कलर है। मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद था, मैं चाह रहा था कि मैं ब्लैक कलर ही ऑर्डर करूँ और मुझे ये ब्लैक कलर ही मिल गया। तो ये देख सकती है कितना शानदार ब्लैक कलर है, पर ये क्या चार्जिंग केबल तो मिला ही नहीं। पर कोई बात नहीं, मेरे पास इसका चार्जिंग केबल है, लेकिन इसमें एयरपोर्ट के सिवाय और भी कुछ नहीं दिया हुआ है, ना इसमें कुछ कागज़ दिया हुआ है ना कुछ दिया हुआ है। तो अब इस एयरबड को रख के देखते हैं कि इसमें अच्छे तरीके से रखाते हैं या नहीं। तो इसका मैग्नेट अच्छा है, तो ये मैग्नेट गिरने भी नहीं देगा, तो ये अच्छे तरीके से ये चिपक जा रहा है। तो ये देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये चिपक रहा है। तो उससे पहले इस एयरबड को चार्ज कर लेते हैं। A few moments later. तो मैं इसको पूरा फुल चार्ज कर लिया, तो यहाँ से मैं इसको चार्ज कर लिया, तो ये देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, लुक भी अच्छा है। तो यहाँ से ये देख सकते हैं यहाँ दो पीस दिया हुआ है एयरबड्स, और ये एयरबड्स निकालने के बाद ये ऑन हो जाता है तुरंत, और इसको इस केस में डालने के बाद ये ऑफ भी हो जाता है। तो इसका एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे जो यहाँ पे सामने में दिख रहा है, यहाँ से इसका टच सेंसर काम करता है, यहाँ से आप कॉल को रिसीव कर सकते हैं। तो अभी इस एयरबड का साउंड चेक करते हैं कि इसका कैसा साउंड आता है। तो इसको मैं इस तरह कर लिया, तो आप ध्यान से सुने कि इसका कैसा साउंड आता है। तो इसका साउंड क्वालिटी तो बहुत अच्छा है, तो इसका साउंड फटता भी नहीं है उतना। तो इसको मैं एक एक करके सुनाता हूँ, तो अब दूसरा वाला सुनाता हूँ। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इसका साउंड तो बहुत ही अच्छा है, इसका जो बेस आता है वो भी फटता नहीं है उतना, क्लियर पूरा आवाज़ तो आता है, पूरा एकदम क्लीन आवाज़ आता है। इसको मैं पूरा साउंड को सुना और अच्छे तरीके से सुना, तो ये पता चला कि ये बहुत ही अच्छा बेस और बहुत ही साउंड क्लियर आता है, इसका पूरा क्लीन साउंड आता है। तो गाइस, इस एयरपोर्ट को आप खरीदेंगे तो आपका पैसा वसूल हो जाएगा। तो मैं एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पे एक छोटा सा बटन दिया हुआ है, जो कि ये बटन को प्रेस करने के बाद इसमें जो चार्ज नहीं हो रहा तो उसको चार्ज भी होने लगेगा, यहाँ पे ब्लू लाइट भी जल जाएगा, और आप चाहे तो इसको इस बटन को यहाँ पे प्रेस करके इसको ऑफ भी कर सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं वो मेरा ब्लैक कलर आ गया, ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कलर वाइट, ये साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे कलर वाइट, पर देख सकते हैं ये ब्लैक कलर आ गया। अब इस एयरपोर्ट को मैं इसको चार्ज कर ही दिया हूँ, तो इस एयरपोर्ट को मैं चार्ज कर दिया हूँ, तो ये हो गया फुल, इसको एक घंटा में फुल हो जाता है ये। और इसमें तो मैं दिखा दिया कि ये देख सकते हैं ना केबल दिया ना कुछ दिया, ये देखिए कुछ केबल उबल कुछ दिया ही नहीं है इसमें, ऐसे तो ठीक ही है। देखिए पीछे लिखा हुआ है मेड इन चाइना का, ये चाइना लोग तो कुछ भी बना देता है। अब मेसो में आपको ऐसा ऐसा कलर बहुत तरह का मिलेगा, ऐसा प्रोडक्ट सिर्फ कलर ये तो ओरिजिनल नहीं होता, वाइट कलर ही सिर्फ ओरिजिनल होता है, ऐसा ऐसा कलर वाइट ग्रीन रेड ये सब कलर आपको मेसो में ही मिलेगा। तो ये देख सकते हैं मेरा ब्लैक कलर आ गया, तो ये देख सकते हैं इसमें एयरबड, ये दो एयरबड दिया हुआ है, ये देखिए निकालने से ये ऑन हो गया और ये भी ऑन हो गया। तो और इसमें मैं बता देता हूँ कि ये इसमें एक मैक मैं चेक किया था, तो कि ये इसका मैक सही है और इसका मैक नहीं है, इसमें मैक ही लगता है ख़राब है, तो ये सही था। लेकिन हाँ, इसका आवाज़ मैं बता देना चाहता हूँ, इसका साउंड क्वालिटी तो बहुत ही अच्छा था, इसका साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा था, लेकिन इसका एक मैक तो ख़राब है। और इसमें दूसरा बात की इसका प्ले टाइम 2 घंटा आराम से ये चल जाता है, और ये केस में डालने के बाद, ये जो केस है इसमें डालने के बाद ये 2 बार और चार्ज कर देगा, मतलब कि ये ठीक है। तो गाइस आप लोग देख ही लिए कि ये हम मंगाए थे वाइट कलर, पर आ गया ब्लैक कलर, लेकिन सामान सब एक ही है, लेकिन सारा चीज़ सेम है,
मतलब सारी चीज़ ठीक है, पर ये मुझे इसका, हाँ एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इसका प्राइस मुझे पड़ा है 250, मतलब कि 250 रुपये पड़ा है मुझे तो। और इसका चार्जिंग केबल बता देता हूँ कि वो तो दिया ही नहीं, पर इसका चार्जिंग यहाँ पे है जो कि आईफोन मोबाइल में लगता है, वो चार्जिंग इसमें लगेगा केबल, आईफोन मोबाइल वाला केबल इसमें लगेगा। तो वो केबल तो मुझे ये नहीं दिया, लेकिन मेरे पास था इसलिए उसे मैं चार्ज कर लिया। तो गाइज ऐसा प्रोडक्ट लाने के लिए आप मेरे वीडियो को एक लाइक जोर करें, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो लेकर आता हूँ कि इसको ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए ऐसा प्रोडक्ट। कि ये मैं बता देना चाहता हूँ कि ये प्रोडक्ट ऐसे ठीक है, ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन सिर्फ इसका क्वालिटी थोड़ा सा क्या, ये भी ठीक ही है। आपको ये सस्ता में और क्या चाहिए बताइए, ये सस्ता में और क्या चाहिए, तो ये सस्ता में ये बहुत अच्छा है। तो गाइज ऐसा ही वीडियो मैं लेकर आऊँगा। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये एयरपोर्ट आपको ख़रीदना है तो कमेंट करके बताएं, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो वहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, तो आप मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।